हेलो, वेलकम बैक बच्चों। मैं सुनील पांडे, आप सबका अपने इस चैनल पांडे सर के क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम लोग पढ़ने जा रहे कक्षा 6 के गणित लेसन 3.3। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, इस एक्सरसाइज में निम्नलिखित सवाल दिए हुए हैं, इन सबों को हम एक एक कर हल करेंगे। तो पहला नंबर है, निम्नलिखित संख्याओं के महत्तम समापवर्तक अभाज्य गुणनखंड द्वारा ज्ञात करें। तो ए नंबर में है 24 और 36। तो इसके महत्तम समापवर्तक निकालने के लिए हम सबसे पहले इनका गुणनखंड निकालते हैं। तो 24 का अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए सबसे पहले हम 24 को भाग देते हैं 2 से, यह 12 बार में करता है। फिर 12 को 2 से भाग देते हैं तो यह 6 बार में करता है। फिर 6 को हम 2 से काटते हैं तो यह 3 बार में करता है। और उसी प्रकार 3 को जब काटते हैं 3 से तो 1 बार में करता है। तो 24 का अभाज्य गुणनखंड हुआ 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। इसी प्रकार हम 36 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 36 का अभाज्य गुणनखंड हुआ 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। अब 24 और 36 के अभाज्य गुणनखंड में कौन कौन से संख्या मिल रही है उसे हम देख लेते हैं। वह 24 और 36 का सार्वगुणनखंड कहलाता है, जो कि हुआ 2 गुना 2 गुना 3। अतः 24 और 36 का महत्तम समापवर्तक हुआ 2 गुना 2 गुना 3, बराबर हुए 12। यही हमारा जवाब हुआ। इसी प्रकार बी में दिया हुआ है 40 और 60। इसका हमें महत्तम समापवर्तक अभाज्य गुणनखंड द्वारा निकालना है। तो 40 का अभाज्य गुणनखंड हुआ, उसको निकालने के लिए हम सबसे पहले 40 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं, जो कि हुआ 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5। इसी प्रकार 60 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। जो कि हुआ 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5। अब दोनों के गुणनखंड में हमें कौन कौन सी संख्या मिल रही है उसे देख लेते हैं, और वह हमारा सार्व गुणनखंड कहलाता है। तो 40 और 60 का सार्व गुणनखंड हुआ 2 गुना 2 गुना 5। इस प्रकार 40 और 50 का महत्तम समापवर्तक कहलाया 2 गुना 2 गुना 5 बराबर 20। और यही हमारा जवाब हुआ। सी नंबर में है 20 और 50। तो 20 का अभाज्य गुणनखंड हुआ 2 गुना 2 गुना 5, और 50 का अभाज्य गुणनखंड हुआ 2 गुना 5 गुना 5। और दोनों के गुणनखंड में जो संख्या हमें मिल रही है उसे हम अलग कर लेते हैं, वह हमारा सार्व गुणनखंड कहलाता है। तो 20 और 50 का सार्व गुणनखंड हुआ 2 गुना 5, और इनका महत्तम समापवर्तक होगा 2 गुना 5 बराबर 10। और यही हुआ हमारा जवाब। डी नंबर में है
चार और बारह। तो सबसे पहले चार का अभाज्य गुणनखंड लिख लेते हैं, जो कि हुआ दो गुना दो, और बारह का अभाज्य गुणनखंड हुआ दो गुना दो गुना तीन। अब इन दोनों के अभाज्य गुणनखंड में कौन कौन सी संख्या मिल रही है उसे हम सार्वगुणनखंड कहेंगे, और उसे इस प्रकार लिखते हैं, दो गुना दो, और यही हमारा महत्तम समापवर्तक हुआ। तो दो गुना दो हुए चार, और यही हुआ महत्तम समापवर्तक चार और बारह का। ई नंबर में है बारह, बहत्तर और चौरासी। तो सबसे पहले हम 12 का अभाज्य गुणनखंड लिखते हैं, इस प्रकार निकालकर इनके अभाज्य गुणनखंड हुए 2 गुना 2 गुना 3। इसी प्रकार हम 72 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, जो कि हुआ 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। अब हम 84 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, तो वह होगा दो गुना दो गुना तीन गुना सात। अब तीनों में जो अंक मिल रहे हैं उसे हम चिन्हित कर लेते हैं, और वह हमारा सार्वगुणनखंड कहलाता है। तो चार और बारह का सार्वगुणनखंड हुआ दो गुना दो गुना तीन, और यही होगा चार बारह और चौरासी का महत्तम समापवर्तक। तो चार, बहत्तर और चौरासी का सार्वगुणनखंड हुआ दो गुना दो गुना तीन, और इनका महत्तम समापवर्तक हुआ दो गुना तीन बराबर बारह। यही हमारा जवाब हुआ। एफ नंबर में है सत्तर, एक सौ पांच और एक सौ पचहत्तर। तो सबसे पहले हम 70 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, जो कि हुआ 2 गुना 5 गुना 7। उसी प्रकार 105 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, जो कि हुआ 3 गुना 5 गुना 7। इसी प्रकार 175 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, जो कि होगा पांच गुना पांच गुना सात। अब इन तीनों ही संख्याओं में कौन सी संख्या मिल रही है उसे हम चिन्हित कर लेंगे, और वह हमारा सार्वगुणनखंड कहलाएगा। तो हुआ पांच गुना सात। इस प्रकार सत्तर, एक सौ पांच और एक सौ पचहत्तर का महत्तम समापवर्तक हुआ पांच गुना सात बराबर पैंतीस। यही हमारा जवाब हुआ। जी नंबर में है इक्यानवे, एक सौ बारह और उनचास। तो सबसे पहले हम इक्यानवे का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, जो कि हुआ सात गुना तेरह। उसी प्रकार एक सौ बारह का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, जो कि हुआ सात गुना दो गुना दो गुना दो गुना दो। इसी प्रकार उनचास का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, जो कि हुआ सात गुना सात। अब इन तीनों ही गुणनखंड में कौन सी संख्या मिल रही है उसे चिन्हित कर लेंगे, और वही इनका सार्वगुणनखंड कहलाएगा, जो कि हुआ सात, और इनका महत्तम समापवर्तक भी होगा वही सात। यही हमारा जवाब हुआ। दूसरे नंबर पर है निम्न का महत्तम समापवर्तक क्या होगा। तो ए में है
दो कर्मागत संख्या, इनका महत्तम समापवर्तक क्या होगा? तो दो कर्मागत संख्याओं का महत्तम समापवर्तक एक होगा। जैसे कि दो कर्मागत संख्या लेते हैं 5 और 6, तो 5 का अभाज्य गुणनखंड होगा 1 गुना 5। उसी प्रकार 6 का अभाज्य गुणनखंड होगा 1 गुना 2 गुना 3। अब दिए गए दोनों ही गुणनखंड में जो संख्या चिन्हित हो रही है वह है 1, अतः 5 और 6 का सार गुणनखंड होगा 1, और 5 और 6 का महत्तम समापवर्तक भी हुआ 1। इसी प्रकार बी नंबर में है दो कर्मागत सम संख्याओं का महत्तम समापवर्तक क्या होगा? तो दो कर्मागत सम संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 2 होगा। जैसे कि दो कर्मागत सम संख्या लेते हैं 4 और 6, तो 4 का अभाज्य गुणनखंड हुआ 2 गुना 2, और 6 का अभाज्य गुणनखंड हुआ 2 गुना 3। अब इन दोनों ही गुणनखंड में जो एक जैसी संख्या है वह 2, अतः 4 और 6 का सार गुणनखंड हुआ 2, और इनका महत्तम समापवर्तक भी होगा 2। सी नंबर में है दो कर्मागत विषम संख्याओं का महत्तम समापवर्तक क्या होगा? तो दो कर्मागत विषम संख्याओं का महत्तम समापवर्तक होगा 1। जैसे कि दो कर्मागत संख्या लेते हैं 5 और 7, जो कि विषम संख्या है। अब 5 का अभाज्य गुणनखंड होगा 1 गुना 5, और 7 का अभाज्य गुणनखंड होगा 1 गुना 7। इन दोनों में ही जो समान संख्या है वह हुआ 1, जो कि सार गुणनखंड कहलाया, और यही उनका महत्तम समापवर्तक होगा, जो कि हुआ 1, और यही हमारा जवाब हुआ। तीसरे नंबर पर है निम्न का महत्तम समापवर्तक अभाज्य गुणनखंड द्वारा ज्ञात करें। तो ए नंबर में है 4 और 15, तो 4 का अभाज्य गुणनखंड हुआ 1 गुना 2 गुना 2, और 15 का अभाज्य गुणनखंड हुआ 1 गुना 3 गुना 5। तो इन दोनों में जो समान संख्या है वह 1, अतः इनका सार गुणनखंड हुआ 1, और इनका महत्तम समापवर्तक भी होगा 1, यही हमारा जवाब हुआ। बी नंबर में है 8 और 9, तो सबसे पहले 8 का अभाज्य गुणनखंड लिखते हैं, जो कि हुआ 1 गुना 2 गुना 2 गुना 2, और 9 का अभाज्य गुणनखंड हुआ 1 गुना 3 गुना 3, और इन दोनों ही गुणनखंड में जो समान अंक है वह है 1, अतः 8 और 9 का सार गुणनखंड हुआ 1, और इनका महत्तम समापवर्तक भी हुआ 1, यही हमारा जवाब हुआ। सी नंबर में है 4 और 13,
तो चार का अभाज्य गुणनखंड हुआ एक गुना दो गुना दो, और तेरह का अभाज्य गुणनखंड हुआ एक गुना तेरह। इस प्रकार दोनों में ही जो सामान्य अंक है वह है एक, तो चार और तेरह का सार गुणनखंड हुआ एक, और इनका महत्तम समापवर्तक भी होगा एक। यही हमारा जवाब हुआ। तो आप सबको हमारा ये प्रयास कैसा लगा हमें जरूर कमेंट कर बताएं। हमारे इस चैनल पांडे सर की क्लास को जरूर से सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दूसरों के साथ इसे शेयर करें और हाँ, लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल है। धन्यवाद। थैंक यू।